वीडियो में हम बात करेंगे एचयूएल शेयर के बारे में। अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर किस किस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर गिरावट होता है तो क्या इधर का जो भी लेवल था इस महीने में, दोस्तों अगर हम बात करें जहाँ पे लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा था शेयर, उन सब लेवल को क्या इसने ब्रेक कर दिया, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बिकॉज ये जो कंसोलिडेशन वाला लेवल था यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझ लीजिए कि 6 अगस्त से लेकर और इधर अभी तक का जो भी कंसोलिडेशन वाला लेवल था, क्या इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है डाउन साइड में। बिकॉज जहाँ पे शेयर कंसोलिडेशन कर रहा है उसके बाद या तो अप में ब्रेक करेगा या फिर डाउन में कंसोलिडेशन लेवल का, और उसके बाद जिधर ब्रेक करेगा उधर का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। देखते हैं कि क्या इसने ब्रेक किया है लेवल और कौन सा लेवल बाकी है और क्या हमें एक्सपेक्टेशन है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए या फिर जो भी है। और अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ यहाँ पे निकल के नहीं आता हुआ हमें दिख रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि हमें जो भी दिखने में मिला हो गिरावट का वजह हो। और बाकी अगर ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आता है तो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में 4.60% का गिरावट नज़र आया। पिछले एक महीने में शेयर 7% से भी ऊपर का यहाँ पे गिर चुका है, आप देखेंगे 7.06%। पिछले 6 महीने में कुछ तेज़ी है और यहाँ पे 2024 में पूरा यहाँ पे तेज़ी है, पिछले 1 साल में तेजी है। बिकॉज यहाँ पे शेयर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दे चुका है ऑल टाइम पे। अभी के टाइम में गिरावट होने के बाद एक कंसोलिडेशन वाला लेवल अभी के टाइम में देखने को मिलता है। और जब भी कंसोलिडेशन होता है, मैं आपको ये भी पॉइंट बताऊँ, जब भी एक कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज आया था, उसके बाद जब पूरा कंसोलिडेशन हो गया कुछ महीने या फिर कुछ दिन, मतलब जो भी कह लो कुछ दिन तक जो भी कंसोलिडेशन यहाँ पे हो गया, उसके बाद कह सकते हो कि एक गिरावट हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा गिरावट हुआ और शेयर गया 1800 से 1800 के आसपास, उसके बाद ज़बरदस्त तेजी आया। और वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिला है, यहाँ पे भी देखेंगे कंसोलिडेशन होते होते ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पे एकदम से गिरावट आया। और कुछ कितना परसेंट का लगभग आप देखेंगे, कुछ यहाँ पे 4-8% से ऊपर का एकदम से करेक्शन आया 12 मार्च से 21 मार्च तक, 10 दिन के अंदर में। और उसके बाद फिर से एक ज़बरदस्त मूव आया अपसाइड का। अब देखते हैं कि ये इतना दिन कंसोलिडेशन किया है और उसमें बड़ा गिरावट देखने को मिला है और इधर लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड का। अब देखते हैं इस बार क्या अगले ट्रेडिंग सेशन में अपसाइड का मूव देता है या फिर डाउन साइड का। मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है तो हिस्ट्री क्या आप रिपीट कर पाता है या फिर नहीं, जो पहले का हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है। अब सीधे से दिख रहा है कि इतना बड़ा जब करेक्शन हुआ डाउन साइड का ब्रेक किया है, तो यहाँ से या तो अपसाइड का बड़ा मूवमेंट आएगा या फिर कह लो डाउन साइड में जब लेवल ब्रेक हुआ होगा तो फिर डाउन साइड में गिरावट में देखने को मिलेगा जो भी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे जाके वहाँ पे कि क्या लेवल डाउन साइड में ब्रेक हुआ है या फिर क्या पोजिशन यहाँ पे बन रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, RSI का क्या मूव दिख रहा है अभी के टाइम में, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, कहीं ना कहीं बड़ा साइन दे रहा है RSI। अब क्या साइन दे रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात करें आज का परफॉर्मेंस के बारे में, तो 3.12% गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है अकॉर्डिंग टू NSE। मार्केट क्लोज होने के बाद जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे 198 क्वांटिटी सेल साइड में मॉडल पर लगा हुआ है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज का डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा, 52% से भी ऊपर। कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट में लगातार बाइंग चल रहा है, का गिरावट में लगातार यहाँ पे लोगों ने बाइक किया काफ़ी ज़बरदस्त, और 52.19% डिलीवरी परसेंटेज में इसमें मिला है। क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, 21,80,321 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी कितना रहा, 11,37,990 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा, जो कि लगभग यहाँ पे 52.19% क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी हमें देखने को मिला। इस अगर हम बात करें यहाँ पे तो HCL में डायरेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे लेवल्स के ऊपर और यहाँ पे RSI के ऊपर। अब पिछला वीडियो मैंने आज के ही दिन बताया हुआ था, उसमें कुछ भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ था आपको, जाके उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सबसे पहले अब बात करें यहाँ पे तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे लास्ट में रेड कैंडल हमें क्लोजिंग होते हुए दिखा। अब बात करें यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, देखिए यहाँ से जब गिरावट हुआ, इस चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पे, जब गिरावट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो एकदम से बड़ा मूवमेंट यहाँ पे भी हमें देखने को मिला RSI में। गिरावट आया यहाँ तक, गिरावट हुआ, आप देखेंगे यहाँ तक गिरावट हुआ और यहाँ तक गिरावट हुआ, फिर भी यहाँ तक जो गिरावट हुआ इसमें RSI क्या मूव दिया, अपसाइड का मूव दिया यहाँ पे। ये RSI जो है कुछ अपसाइड का मूव दिया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी भी गिरावट हो रहा है यहाँ पे, ये कह सकते हो इधर के बाद थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिला है, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर हम बात करें RSI का तो ये पॉजिटिव बना हुआ है अपसाइड का। इतना गिरावट में भी अपसाइड का RSI का ट्रेंड बन रहा है, तो कह सकते हो कि स्ट्रेंथ कुछ हमें, स्ट्रेंथ अब क्या बता रहा है कि मजबूत बन रहा है अपसाइड के मूवमेंट के लिए स्ट्रेंथ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं नोटिस करने वाली है कि आप यहाँ पे देख सकते हो
कि जो भी अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है, जब प्राइस डाउन जा रहा हो और ये RSI अप जा रहा हो, तो उस टाइम पे आपका चांसेस काफ़ी हाई बन जाता है अगर हम बात करें यहाँ पे। और इसको यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे बोला जाता है। अगर प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा है और RSI ऊपर जा रहा है तो बुलिश डाइवर्जन बोला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखने को मिला है। वो अलग की बात है, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा आया है, भले ही यहाँ पे कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे तेजी आया है तब भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हुआ है, अलग की बात है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो एकदम से गिरावट हो रहा था, इधर भी तो तेजी आ रहा था, बट इतना जबरदस्त मूव हमें RSI में देखने को नहीं मिल रहा था। बट इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला है RSI में, और देखते हैं इस बार हमें क्या जो भी है देखने को मिलता है इस चीज़ को लेकर। एकदम से 100% तो आप नहीं कह सकते हो बुलिश डाइवर्जन, बट फिर भी अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पे उस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे शेयर में, HCL में। अब बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ग्राउंड, अगर आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा यहाँ पे 4426 के आसपास, जो आज का लो है ये लेवल रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, और इसको अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर आज का जो यहाँ पे लो है अगले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट होगा, अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो। नेक्स्ट जो ये सब लेवल है इसके ऊपर का, जहाँ से बार बार ये अपसाइड का मूवमेंट दे रहा था 4495 या फिर 4500 के आसपास जो लेवल था, वहाँ से बार बार अपसाइड जा रहा था 4800 के ऊपर, 4900 नीचे रहता था। तो 5000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 5000 का लेवल एक कह सकते हो कि अच्छा लेवल रहने वाला है। अगर उसको ब्रेक करता है अपसाइड में तो फर्दर एक फ्रेश एंट्री का जोन यहाँ पे बन सकता है, और अच्छा मूव यहाँ पे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरा खुद का अगर हम बात करें यहाँ पे। अब देखिए आपका क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को इस HCL को लेकर, प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे से, और अगर यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिलता है तो किस किस लेवल्स पे यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए सपोर्ट यहाँ के लेवल के बाद सारे लेवल का इधर इधर आप देखेंगे, जो भी अगर आप देखें मैं बताऊँ आपको, तो लगभग 6 जून के बाद, 6 जून 2024 के बाद जो भी यहाँ पे लेवल यहाँ पे बना हुआ था सपोर्ट, इन सारे सपोर्ट को आज के दिन ब्रेकआउट दे दिया है डाउन साइड में, और क्लोजिंग भी ब्रेकआउट देने के बाद ही नीचे ही हुआ है सारे लेवल्स का। अब उसके पहले का जो लेवल है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब आगे, अब अगले ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा कि क्या इन सब लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है। अब ये ब्रेक कर दिया तो क्या यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, तो अब अगले ट्रेडिंग सेशन में पता चलेगा। जब ब्रेकआउट होता है तो नीचे ही आता है, वो अलग की बात है, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हो तो हुआ था। बाकी अगर हम बात करें तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट होगा और उसके बाद फिर से एक ज़बरदस्त मूव वहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा रिटेस्ट करने के बाद। अब देखते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में भी वो हमें मूव पता चलेगा क्या हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर यहाँ से और ग्राउंड होता है तो 4160-70 के आसपास भी लेवल है, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हो। बाकी अगर हम बात करें अपसाइड के लिए मूव क्या हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे तेजी अगले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल जाता है तो कौन कौन से लेवल्स पे आप यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान दे सकते हो। सबसे पहला लेवल 4500 का काफ़ी अच्छा लेवल है, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल, ऊपर से लेवल भी यहाँ पे है रेसिस्टेंस 4620 के आसपास, इसको ब्रेक करता है तो फिर 4700 पे आप ध्यान दीजिएगा। तो जो भी लेवल पे सपोर्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकल लेवल लेवल के आसपास ही नज़र आ रहा है हमें। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।